कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे के जम्मू कश्मीर दौरे पर अजीब वाकया हुआ। दरअसल कांग्रेस के दोनों नेता श्रीनगर में पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंचे। यहां एक सभागार में राहुल गांधी अभी कार्यकर्ताओं को संबोधित ही कर रहे थे कि सभा में बैठी एक महिला कार्यकर्ता जोर जोर से चिल्लाने लगी। महिला का कहना था कि वह उनसे कुछ बात पूछना चाहती है। इस पर राहुल ने उसे शांत रहकर बैठने की सलाह दी। राहुल ने कहा कि मैडम आप बैठ जाइए, इस तरह डिस्टर्ब मत कीजिए। उनका कहना था कि आपको जो बात करनी है आप सभा खत्म होने के बाद में कर लीजिएगा। बता दें जम्मू कश्मीर दौरे पर राहुल गांधी बीजेपी और पीएम मोदी के खिलाफ काफी आक्रामक नजर आए। बता दें कि एक जगह कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी सीना चौड़ा करके भाषण देते थे और अब बोलते हुए झुककर खड़े होते हैं। उन्होंने कहा कि हर कांग्रेस कार्यकर्ता पीएम मोदी के खिलाफ खड़ा होगा। सरकार बीजेपी नहीं, कांग्रेस कार्यकर्ता चलाएगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी लेटरल एंट्री भर्ती से अडानी और आरएसएस को फायदा पहुंचाना चाहती थी, लेकिन कांग्रेस ने इसका विरोध किया, जिसके बाद सरकार को इसे वापस लेना पड़ा। ऐसी ही न्यूज़ देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।